हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। आशा करता हूँ गाइस आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का एक टॉपिक जो कि सैन्य अभ्यास 2021 से रिलेटेड होने वाला है। तो गाइस इस सेशन में हम सभी सैन्य अभ्यास डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो गाइस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। गाइस इस सेशन में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे और उन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। तो गाइस ये किस देश के बीच शुरू हुआ, भारत और रशिया के बीच। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो गाइस और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो गाइस वह ये पूछी जा सकती है कि इसका कौन सा एडिशन था और यह कहां पर हुई। तो गाइस इसका 12वां एडिशन था और गाइस यह रूस के वोल्ग्राद में हुई। तो गाइस ये दो पॉइंट ही यहां पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाएगा कि या तो कौन सी एक्सरसाइज कहां हुई और या किस स्टेट से रिलेटेड है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास WTX 2021 किन तीन देशों की नौसेना अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ। तो गाइस ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और गाइस इसका एडिशन की बात करें तो इसका ये है, गाइस यहाँ पर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि भारत, श्रीलंका, मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास 2021 में भाग लिया। यह समुद्री अभ्यास गाइस इसका जो उद्देश्य था वह समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाना कुछ ऐसा ही है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह जानकारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पर, किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज ड्रिल नामक युद्ध अभ्यास हुआ। तो गाइस यह किन देशों के बीच हुआ, यूक्रेन और USA के बीच। तो गाइस कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें कि इंडिया की एक्सरसाइज नहीं होती फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी आप माइंड में रखिए, एग्जाम में आ सकता है। गाइस इसका अगर पूछा जाएगा इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ब्लैक सी में। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर है, इन EU नेव 4 संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित हुआ। तो गाइस यह भारत और EU के संघ यानी कि यूरोपियन संघ के बीच आयोजित हुआ। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा और यह एग्जाम में पूछी जा सकती है। गाइस ये पहली बार भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में आयोजित यूरोपीय संघ की नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है और इसका आयोजक कहाँ पर है गाइस, अदन की खाड़ी में। तो गाइस यह पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त गश्त अभ्यास कोऑपरेट शुरू हुआ। तो गाइस भारत और थाईलैंड के बीच यह आयोजित हुआ। गाइस ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट गाइस ये इसका 31वां एडिशन था और अंडमान सागर में यह आयोजित हुआ। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन स्टेट फास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। तो गाइस यह नाटो कर रहा है। गाइस ऑप्शन सी राइट आंसर और नाटो के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। गाइस यह कौन आयोजित कर रहा है, नाटो आयोजित कर रहा है और गाइस यह अभ्यास पूरे अटलांटिक यूरोप और काला सागर क्षेत्र में हो रहा है और गाइस इसमें और गाइस इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि है नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1949 को हुई और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और गाइस इसके महासचिव जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं जेम्स सेटेलनबर्ग। तो गाइस ये जानकारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर सेवन, पेसेज एक्सरसाइज भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुई। तो गाइस ये भारत और इंडोनेशिया के बीच शुरू हुई। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, पेसेज एक्सरसाइज इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया। और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइस ये दक्षिण अरब सागर में हुई। और गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, नाटो के द्वारा डिफेंडर यूरोप 2021
संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो गाइस ये किस देश में शुरू हुआ? अल्बानिया में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पर, अल्बानिया में। गाइस नेक्स्ट है, नेक्स्ट गाइस उत्तरी, इंपॉर्टेंट जानकारी, उत्तरी अटलांटिक संधि ने अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया जिसे डिफेंडर यूरोप 2021 नाम दिया गया और जिसका आयोजन अल्बानिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित की जाएगी? तो गाइस ये किन देशों के बीच? भारत, फ्रांस और यूएई। तो गाइस ये इन तीन देशों के बीच होगी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है गाइस इसका जो आयोजन हुआ वह अरब सागर में हुआ और गाइस भारत और फ्रांस से 1993 से इस अभ्यास को कर रहे हैं और 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया। तो गाइस ये जानकारी भी इम्पोर्टेंट थी। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 10, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो गाइस खंजर जो आयोजित हुआ वह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी गाइस, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बिश्केक में। बिश्केक में गाइस जो कि किसकी राजधानी है, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो गाइस बिश्केक में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शांति अग्रसेना 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच शुरू हुआ? तो गाइस यह कहाँ पर, तो गाइस यह भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच शुरू हुआ। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। और गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गाइस इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी गाइस, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश में। और गाइस चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो गाइस यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइस इसका अब की बार 11वां एडिशन था और यह हिमाचल प्रदेश के बखोल में आयोजित हुआ। तो गाइस यह पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गाइस हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 13, ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो गाइस ये फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में आयोजित हुआ। तो गाइस क्वाड देशों की अगर हम बात करें तो क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका शामिल है। तो गाइस यह इम्पोर्टेंट जानकारी है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 14, पापी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो गाइस यह किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? एससीओ के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। और गाइस यहाँ पर इंपोर्टेंट जानकारी, भारत, पाकिस्तान और चीन सहित संघाई सहयोग संगठन के सदस्य इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त सैन्य अभ्यास GASWEX 2021 अमेरिका के अलावा और कौन से देश इसमें शामिल होंगे? तो गाइस बेल्जियम, फ्रांस और जापान। गाइस ये सभी इस देश में शामिल होंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। और गाइस यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी, गाइस इसका आयोजन कहाँ पर होगा? अरब सागर में। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो देशों के बीच अमलगम डाट संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित होगा? तो गाइस ये किन दो देशों के बीच होगा? यूएस और कनाडा के बीच। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो गाइस ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी ज़्यादा अभी हाल ही में चर्चा में रहने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया? तो गाइस ये अभी हाल ही में फ्रांस ने शुरू किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी, एस्टर एक्स फ्रांस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है और यूरोपीय देशों में यह पहला है और फ्रांस ने अपनी रक्षा करने की क्षमता को परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है और यह 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का उद्देश्य है कि फ्रांस के उपग्रह और अन्य रक्षा उपकरणों पर हमलों के खिलाफ क्षमता का विश्लेषण करना। तो वैसे यह सभी जानकारी आप ध्यान में रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्टलिक का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ? तो वैसे यह उज्बेकिस्तान में हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
और गाइस और इम्पोर्टेंट जानकारी गाइस, इसका आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, क्योंकि ये इंडिया में हुआ है। तो और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डेजर्ट फ्लैग सिक्स अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो गाइस ये कौन सा देश करेगा, यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इम्पोर्टेंट जानकारी, डेजर्ट फ्लैग सिक्स एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात ने 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित किया। और इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देश इसमें भाग लेंगे। और गाइस भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI और फाइटर जेट और C-17 विमान इसमें हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बैलेट 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया। यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होगा। तो गाइस यह किन 2 देशों के बीच होगा, ईरान और रूस के बीच। तो गाइस ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ईरान और रूस के बीच। और गाइस ये कहाँ पर होगा, हिंद महासागर में होगा। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास ट्रॉपेक्स का आयोजन किया। तो गाइस यह किसने किया, इंडिया ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, द्विवार्षिक थ्रेट लेवल ऑपरेशन रेडिनेस एक्सरसाइज जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, और यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र और इसके पास आसपास के समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। तो गाइस यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंडिया का है, तो आप इसे माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 20 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ। तो गाइस यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ। तो गाइस यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया और यूएस का है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस इसका यह 16वां संस्करण था और यह थार के रेगिस्तान राजस्थान में आयोजित हुआ। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की सेना ने संयुक्त अभ्यास MFEX-21 का आयोजन किया। तो गाइस यह किसने किया, इंडिया ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि यह इंडिया का है। तो गाइस इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास Sea-Vigil 21 को शुरू किया। तो गाइस यह भी किसने किया, इंडिया ने। तो यह भी इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायुसेना X-DESERT-9 2021 का आयोजित किया जाएगा। तो गाइस यह भारत और फ्रांस में, फ्रांस के बीच, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो गाइस इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, जोधपुर में, राजस्थान, जोधपुर। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया। तो गाइस ये किस देश की सेना ने आयोजित किया, इंडिया ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और गाइस इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल होंगे। और गाइस इसका आयोजन अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 27 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पहला संयुक्त गश्त अभ्यास भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा। तो यह भारत और मेडागास्कर के बीच किया जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस मेडिटेरियन मेरीटाइम नौसेना सुरक्षा अभ्यास 2021 रूस व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा। तो यह रूस और ईरान के मध्य किया जाएगा मेरीटाइम नौसेना अभ्यास 2021। तो गाइस ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस आप ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें गाइस। इस ऐसे ही गाइस हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पूरा डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।